हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ढिंचैक पूजा के बारे में। आपको पता ही होगा कि ढिंचैक पूजा काफ़ी फेमस सिंगर है हमारी इंट्री में। अगर जो आप ढिंचैक पूजा का नाम सुने तो आपको ये भी पता होगा कि वो किस तरह के गाने गाती हैं। तो रिसेंटली उनका एक न्यू सॉन्ग यूट्यूब पर आया है जिसका टाइटल है गाड़ी मेरी टू सीटर, और ये यूट्यूब पर कल रिलीज़ किया गया है। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ढिंचैक पूजा ने कोई गाना रिलीज़ किया हो और उसके ऊपर मीम्स ना बनी हो। तो काफ़ी सारे मीम्स ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ट्रिगर्ड इंसान ने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें उन्होंने ट्रूथ एंड डेयर गेम खेला था। उनके सब्सक्राइबर ने उन्हें डिफरेंट डिफरेंट तरह के ट्रूथ एंड डेयर दिए थे। तो कुछ चीज़ें तो उन्होंने फॉलो भी करी अपनी इस वीडियो में। उन्होंने ढिंचैक पूजा को यहाँ तक मैरिज प्रपोजल भेज दिया उनके इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल में। आप ये वीडियो में देख सकते हैं। गाइस, अब हम ढिंचैक पूजा को मैसेज करने लगे हैं। हाय ढिंचैक जी, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। आई लव योर सॉन्ग्स, और आज तक मैंने आप पे जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो सब बेकार हैं। एंड आई लव यू, मैरी मी, मैं आपके बिना मर जाऊंगा। और अब ढिंचैक पूजा इसका रिप्लाई करती है नहीं, वो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। फिर जो रिप्लाई आया है ढिंचैक पूजा का वो भी आप देखिए। कर रहा था और मेरे को इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आती है कि ढिंचैक जी ने मेरा मैसेज पढ़ लिया है और उस पे रिप्लाई किया है हाय। मैंने लिटरली बोला आई लव योर सॉन्ग। और अगर जो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही यूट्यूब कम्युनिटी न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए। सेकंड अपडेट मेरे पास है अमित बढ़ाना के बारे में। मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस में बात कर चुका हूँ, जो उनका प्रोजेक्ट आना था आत्मविश्वास वो कल आ चुका है और ये अभी नंबर 1 ट्रेंडिंग पर है। अगर जो आपने ये नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। तीसरी अपडेट मेरे पास है फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट ने रिसेंटली एक ब्लॉग अपडेट किया है यूट्यूब पर जिसमें उन्होंने अपने एक सब्सक्राइबर को आईफोन गिफ्ट किया है। इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस स्टोरी क्या है कि हमने एक गिव अवे किया था लिटी शॉप पर, तो उसमें दो विनर्स को हमने आईफोन दिया था, आईफोन में खरीद के लाए भी था, जिनमें से कि एक विनर है वो यहाँ पे रहते। जैसे ही जींद का नाम आया तो ऋतु कह रही तो मेरा गाँव है, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब हुआ क्या कि ये फोन गलती से इनके पास नहीं जा पाया, किसी और को चला गया। वो भी लाइक विनर था बट वो लकी टू में नहीं था, वो नीचे का था बट चला गया भाई, किस्मत जिसको मिलता। तो मैंने कहा बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट थिंग व्हाट वी कैन डू इज कम टू हिज प्लेस ऑल द वे टू जींद और इनसे स्पेशली जाके माफी मांगते हैं या फिर इनको मिलके सरप्राइज देते हैं, तो वो भरपाई तो नहीं कर पाएंगे। तो फ्लाइंग बीस्ट खुद उनके गाँव में गए और उनको ये जो गिव अवे का प्राइस था ये उन्हें दिया। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।